friends, today we are going to study chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together, by Gordon Cook and Ellen East from Snapshot. This is a very excited and thrilling story about a ship voyage, and the chapter is very lengthy, so let's start. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6 years, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. जुलाई 1976 में माई वाइफ मेरी, सन जोनाथन जो कि 6 ईयर्स का था और डॉटर सुजैन जो कि 7 ईयर्स की, और मैं यानी कि राइडर, प्लाइमाउथ इंग्लैंड जाने के लिए एक सेल में बैठे, क्योंकि वो एक डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वोएज करना चाहते थे, जैसे कि 200 ईयर्स अगो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी. बहुत लंबे समय से मैरी और मैं जो कि एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन था, एक ड्रीम दिन रात देखा करते थे और जिसको पूरा करने के लिए 16 ईयर्स से हमने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ब्रिटिश वाटर में प्रैक्टिस करने में लगाया था. यहाँ पर इन्होंने बोल्ड किया है ऑनिंग आर सी फेरिंग स्किल्स को. इसका मीनिंग है दिस रेफर्स टू मेक देमसेल्व्स फिट टू ट्रेवल ऑन द सी. आर बोट वेव वॉकर, अ 23-meter 30-ton वुडन हल ब्यूटी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड. And we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी बोट जो कि वेव वॉकर के नाम से थी, 23 meters उसकी लेंथ थी, 30 ton की थी उसका वेट था, और वुडन की बनी हुई बहुत ही ब्यूटीफुल बोट थी, बहुत प्रोफेशनली बिल्ट थी, और हमने बहुत सारे मंथ्स इसकी फिटिंग में स्पेंड किए थे और ये टेस्ट भी कर लिया था प्रैक्टिस कर करके कि ये बोट रफेस्ट वेदर में भी आराम से चल सके. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 kilometer जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट we took on 2 crewmen, American Larry Wiggill and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. हमारी जर्नी का फर्स्ट पार्ट बहुत ही प्लेजेंटली, हमने थ्री ईयर्स के लिए प्लान की थी हमारी जर्नी, जिसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही प्लेजेंटली पास हो गया था. हमने अफ्रीका, हमने वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका की से 1,05,000 kilometers की से केप टाउन की जर्नी पास कर ली थी. वहाँ ईस्ट की तरफ जाने से पहले हमने 2 crew members हायर किए, पहला था अमेरिकन लैरी और दूसरा था स्विस हर्ब, सो दैट दे कैन हेल्प अस टू हैंडल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज एंड द वेदर द सदर्न इंडियन ओशन. ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे blew continuously gales. Did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. Cape Town mein second day bahut hi strong wind chalni start ho gayi. Gale yahan par aaya hai meaning word, sorry, gale ka word ka meaning hota hai aandhi ya tufaan. Agle kuch weeks tak gale continuously chalti rahi. राइटर कहते हैं कि गेल से उन्हें टेंशन नहीं थी, बट उन्हें वरी थी वेव्स के साइज़ की, क्योंकि उनका साइज़ 15 मीटर से भी ज़्यादा हाई था, और जो उनकी बोट थी वेव वॉकर उसके पोल के बराबर. यहाँ पर एक और वर्ड आया है, आर मेन मास्ट. मास्ट का मतलब होता है पोल, जो शिप में लगा होगा, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में. डिसम्बर 25th फाउंड अस 3,500 kilometers ईस्ट ऑफ केप टाउन. डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worst. 25 December तक हम लोग केप टाउन से 3,500 किलोमीटर ईस्ट तक पहुँच चुके थे. डेंजरस वेदर के बावजूद, डेस्पाइट का मीनिंग होता है बावजूद, एट्रोशियस का मीनिंग होता है डेंजरस.
डेंजरस वेदर के बावजूद हमने एक वंडरफुल हॉलीडे क्रिसमस ट्री के साथ सेलिब्रेट किया। वेदर में न्यू ईयर तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, लगातार विंड चल रही थी, बट हमें ये लग रहा था कि वेदर जल्दी ही चेंज होने वाला है, एंड ये चेंज हुआ बट वर्स वर्स यानि बैड, सुधार नहीं हुआ और भी ज़्यादा बिगड़ गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2nd द वेव्स वर जाइजेंटिक, वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब and lashed away heavy mooring rope on a loop across the stern. Then we doubled lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. 2nd January ki sham waves bahut zyada high ho gayi thi. Gigantic ka meaning hota hai extra large. And hamare paas only ek hi small storm jib thi. Storm jib kehte hain triangular sail ko. और हम केवल 8 नॉट्स चल रहे थे। 8 नॉट्स का मीनिंग है, यहाँ 8 नॉट्स मीनिंग है, 8 नॉट्स मीन द स्पीड एट द स्पीड ऑफ 8 नॉट्स रफली इक्विवेलेंट टू 14 किलोमीटर पर आवर ऑन द ग्राउंड। द लाइन मीन्स द फैमिली एंड शिप आर एबल टू कीप देयर ट्रैवलिंग स्पीड एट इस 8 नॉट्स और 8 नॉटिकल माइल्स पर आवर एज पर कंपेयर टू लैंड माइल्स। जैसे जैसे शिप हर एक लहर के साथ उठती जा रही थी, ऊपर उठती जा रही थी, वैसे वैसे हमें ऐसा लग रहा था कि एंडलेस ओशन रोल करता हुआ हमारे ऊपर ही चला रहा है, मतलब बढ़ता हुआ आ रहा है, ऐसा लग रहा था हम लोगों को। और हवा की तेज़ आवाज़ और उसके साथ साथ पानी की जो बौछारें हमारे ऊपर पड़ रही थी, वो सब कुछ बहुत ही पेनफुल था। हम वेव वॉकर की स्पीड को कम करना चाहते थे, इसलिए हमने स्टॉर्म जिब कहते हैं एक स्मॉल सेल को, स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया और एक बहुत मोटी रोप को बोट के ऑल अराउंड टाई कर दिया। लैस्ट कहते हैं टाई करने को, यहाँ पर इसका वर्ड आया है और डबल लैस्ट यानी टाई करना। बहुत मोटी रोप को बोट के ऑल अराउंड टाई कर दिया। देन दे टाइड एवरीथिंग डबल्ड, क्या क्या उन्होंने डबल टाई किया था, लाइफ राफ्ट ड्रिल, attaching life skills, it actually saved the author from drowning later, donning oil skills and life jacket, सब कुछ उन्होंने arrange कर लिया। The first indication of impending disaster came to about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other wave, with a frightful breaking crest. मौसम अचानक से शांत हो गया था, ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। Impending मतलब आने वाले, disaster means तूफान। आने वाले भयंकर तूफान का पहला indication हमें शाम को लगभग 6 बजे मिल गया था। हवा एकदम से शांत हो गई और आसमान बहुत तेज़ी से काला हो गया था। तब एक बहुत तेज़ गड़गड़ाने की आवाज़ आई और एक विशाल बादल का जैसे एक टावर सा शिप के पीछे की साइड बन गया। मुझे बहुत डर लगा और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये क्लाउड नहीं है बल्कि इतनी बड़ी एक वेव है, जितनी बड़ी कि मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोची थी। ऐसा लगा कि जैसे वेव हॉरिजॉन्टल ना होकर के, आपने देखी वेव सारी हॉरिजॉन्टल होती क्योंकि समुद्र में होती है, तो ये वाली वेव जो थी वो हॉरिजॉन्टल ना होकर के एग्जैक्टली वर्टिकल थी और उसकी हाइट लगभग डबल थी उसकी शिप से और अदर्स वेव के कंपैरेटिवली, जितनी उस समय वो सी में चल रही थी। और बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ वेव की क्रेस्ट यानी कहते हैं टॉप पार्ट ऑफ द वेव, वो बहुत तेज़ी से शिप की तरफ आने लगी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. And for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shocked the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death and I was losing consciousness. I felt quite peaceful.
जो रोर की आवाज़ थी वो बढ़ते बढ़ते थंडर यानी कि तूफान की आवाज़ में चेंज हो गई थी, और शिप का पीछे वाला पार्ट एकदम खड़ा हो गया था, खड़ा होकर के ऊपर हो गया था, और उसका फेस वेव के ठीक सामने था। एक पल को मैंने सोचा कि मुझे शिप के बैक पार्ट पर चढ़ जाना चाहिए, तभी एक भयंकर से ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ, शिप की डेक में हुआ। ग्रीन एंड वाइट कलर की यहाँ पर है टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट कलर की पानी की मोटी सी धार, टोरेंट होता है मोटी सी पानी की धार, को शिप को तोड़ते हुए अंदर आ गई। मेरा सिर व्हील में जाकर टकराया और मेरी कंडीशन लगभग ऐसी थी कि मैं शिप के ओवरबोर्ड पर फ्लाई करने लगा पानी में, एंड वेव्स में मैं नीचे डूबने लगा। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी डेथ अब निश्चित है। पानी इतना तेज़ी से आया था और इतनी चोट मेरे सर में लगी थी, और मैं अपने होश खो रहा था, यानी मैं अनकॉन्शियस हो रहा था धीरे धीरे, और एकदम से मैं धीरे धीरे शांत होने लगा। अनएक्सपेक्टेडली माय हेड पॉप्ड अप ऑफ द वाटर अ फ्यू मीटर अवे। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्क ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माय लाइफलाइन जर्क्ड टॉट। I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with water and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up and stern for the next wave and hung on. Unexpectedly mera sir jo tha wo pani se bahar aa gaya. Kuch hi dur par wave walker palatne hi wali thi. Kuch hi palon mein capsizing kehte hain palatne ko. A few meters away, wave walker was near capsizing. लगभग पलटने के करीब थी कि वो बिल्कुल पलट जाएगी पानी में। वेव वॉकर की मस्त ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गई थी, जो पोल था, मस्त कहते हैं पोल को, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई थी। फिर एक वेव ने उसे ऊपर की तरफ फेंक दिया, हर्ल्ड अप कहते हैं ऊपर की तरफ फेंकने को, जर्क कहते हैं झटके को, माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, और टॉट कहते हैं तने हुए को, ग्रैब्ड कहते हैं पकड़ना, पकड़ा कसकर। मेरी जो लाइफ लाइन थी वो एकदम से तन गई, और मैंने गार्ड रेल को पकड़ कसकर पकड़ लिया। शिप के साइड में रेल लगी हुई होती है, रेलिंग जिसे आप लोग बोलते हैं, गार्ड रेल साइड की रेलिंग्स होती है, और वेव वॉकर की मेन बूम में मैं एयर के साथ, पानी के साथ तैरने लगा। वेव्स मुझे शिप की डेक पर इस तरीके से टॉस कर रही थी कि मतलब टॉस करना मतलब उछालना, इस तरीके से उछाल रही थी जैसे मैं कोई रैग डॉल हूँ, कोई रैग डॉल मीन्स फटी हुई डॉल हूँ, मीन्स यूजलेस। मेरी लेफ्ट रिब क्रैक हो चुकी थी और मेरा माउथ, मेरे दांत टूट जाने की वजह से फुल ऑफ ब्लड हो गया था, मेरे पूरे मुंह में खून ही खून था। किसी तरह मैं व्हील तक पहुंचा और स्टर्न यानी कि कठोर व्हील को लाइंड अप किया, मैंने किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा कि आने वाली नेक्स्ट वेव से मैं किसी तरह से उसको बचा सकूं पलटने से। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रू ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था। मैं ये फील कर सकता था कि शिप के अंदर भी पानी भर गया था, बट मैं व्हील को छोड़कर ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पर नहीं जा सकता था कुछ भी देखने के लिए। अबंडन कहते हैं लीव द प्लेस सडनली, यहाँ पर आया है वर्ड तो। बट मेरे सडनली मेरे सामने वाला डोर ओपन हुआ और मैरी अंदर आ गई और चिल्लाने लगी कि हम लोग डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग, सिंकिंग यानी डूबना। वो डर के मारे ऑलमोस्ट लगभग चीख रही थी कि शिप की डेक्स टूट गई हैं और हम पानी में डूब रहे हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैं तेज़ी से चिल्लाया कि टेक द व्हील, और मैं तेज़ी से वहाँ पर भागा देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं डोर की तरफ में झपटा। लैरी एंड हाउ वर पंपिंग लाइक मैडमैन, broken timbers hung at crazy angles, the whole starboard side bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. लैरी और हॉब पागलों की तरह पानी को पंप करके बाहर फेंक रहे थे। टूटे हुए शिप की लकड़ी जगह जगह से, टिम्बर कहते हैं लकड़ी को, टूटे हुए शिप की लकड़ी जगह जगह से, टूटे हुए एंगल की तरीके से
लटक रही थी और पूरे स्टारबोर्ड की साइड यानी कि राइट साइड ऑफ द शिप अंदर की तरफ से फूल गई थी पानी की वजह से। क्लोज क्रॉकरी, चार्ट, स्टेन्स एंड टॉयज सब कुछ गहरे पानी में डूब चुके थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केबल। आर यू ऑल राइट आई आस्क। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बैंक सॉरी बंक। माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। मैं आधा तैरते हुए और आधा क्रॉल करते हुए लगभग बच्चों की तरह जैसे करते हुए बच्चों की केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट मैंने पूछा। दे आंसर यस फ्रॉम एन अपर बंक। बंक कहते हैं अपर बेड को, जैसे ट्रेन में लगे हुए होते हैं उसी तरीके से अपर बंक होता है। सू बोली कि मेरा सिर थोड़ा सा दर्द कर रहा है और उसने अपनी आँखों के ऊपर चोट लगने से जो बहुत सूजन आ गई थी उसकी तरफ इशारा करके वो बोली, बट मेरे पास उसकी चोट की चिंता करने का भी टाइम नहीं था। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck with the starboard side bashed open. We were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. एक हथौड़ा, हैमर यानी हथौड़ा, स्क्रूज और कैनवास मिलने के बाद मैं वापस डेक पर आ गया। स्टारबोर्ड का साइड ओपन हो जाने से हमारी शिप में हर एक वेव उठने से पानी भर रहा था। अगर हम मैं कुछ रिपेयर करके उसे ठीक नहीं करता तो हम डेफिनेटली पानी में डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch over across the gaping holes. Some water continued to stream below. The most of it was now being deflected over the side. किसी तरह से मैनेज करके मैंने कैनवास फैलाया और उससे वाटरप्रूफ हैच कवर बनाया जिससे कि शिप के होल्स ढक गए और पानी आना वहाँ से बंद हो गया। थोड़ा पानी अब भी शिप में नीचे से आ रहा था बट ज़्यादातर पानी डिफ्लेक्ट होकर यानी कि हटकर वहाँ से हटना डिफ्लेक्ट होकर साइड से बाहर जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोस्टे सेल द जिप द डिंचीज एंड द मेन एंकर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब बढ़ गई हमारे लिए जब हमारे हैंड पंप जिससे कि हम पानी बाहर फेंक रहे थे वो ब्लॉक हो गए उस कचरे की वजह से जो कि शिप की कैबिन्स में चारों तरफ से बह रहा था। डेब्रिस होता है कचरा, फ्लोटिंग यानी तैरना, कचरा गार्बेज, और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया था। वाटर लेवल अचानक से डेंजरसली बढ़ने लग गया फिर से, थ्रेटनिंगली मतलब डेंजरसली। जब मैं डेक पर वापस आया तो मैंने पाया कि हमारे दो एक्स्ट्रा हैंड पंप पानी के झटके से ओवरबोर्ड पर आ गए थे। साथ में एक शिप की मास्ट को खड़ा करने के लिए मोटा रस्सा है होता है वो भी था वहाँ पर। फोर स्टे द जिब एक ट्रायंगलर क्लॉथ होता है जो कि जिससे कि शिप की मास्ट को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द डिंचीज अ स्मॉल बोट एंड द मेन एंकर। ये सब कुछ सामान मुझे वहाँ पर मिल गया था। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। I connected it to an open pipe and was thankful to find it worked. तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप भी है जो कि चार्ट रूम में रखा हुआ है। मैंने उसे एक आउट पाइप के साथ कनेक्ट किया और मैं बहुत थैंकफुल था ये देख करके कि वो प्रॉपरली काम कर रहा था जिससे हमारी बहुत हेल्प हो गई। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We are getting no replies to our mayday calls, which was not surprisingly in this remote corner of the world. वो सारी रात कंटिन्यूसली एक रूटीन करते हुए बिताई कि बहुत ज़्यादा ठंड में पानी को पंप करके बाहर फेंकना और शिप को संभालना और रेडियो को कनेक्ट करना। हमें हमारे मेडे कॉल्स के कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पा रहे थे। मेडे कॉल्स यहाँ पर इन्होंने बोल्ड भी किया, इसका मीनिंग होता है कि एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्ट्रेस सिग्नल वाई रेडियो टेलीफोन। इट गिव्स साइन टू हेल्प फॉर एयरक्राफ्ट्स और शिप्स इन डिज़ास्टर सिचुएशन। यानी कि कोई अगर डिज़ास्टर सिचुएशन में है तो वो टेलीफोनिक के ज़रिए कॉल किया जाता है और उसके लिए हेल्प की जाती है, उसे मीडिया कॉल्स कहते हैं। ये सब सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि मेडे कॉल्स नहीं लग रही थी क्योंकि हम ऐसी एक इनएक्सेसिबल प्लेस यानी कि बहुत दूर
थे, एक्सेसिबल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड थे, कि कोई भी इजीली हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकता था, कैच नहीं कर सकता था, हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था. सूज हैड सोलन अलार्मिंगली. शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस शी रिप्लाइड आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. सू के हेड में बहुत खतरनाक रूप से स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी, उसकी दोनों आँखें काली पड़ती जा रही थी सूजन की वजह से, और अब उसने अपनी आम पर एक चोट भी दिखाई जिसमें उसे एक डीप कट उसकी आम पर लगा हुआ था. जब मैंने उसे पूछा कि उसने ये चोटें मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई, तो उसने रिप्लाई किया कि आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको और परेशान करना ठीक नहीं समझा. गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट लाइक एंड शेयर. थैंक यू.